देखो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन द रीजन 0 टू एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए। 0 टू ए रीजन में पार्टिकल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए, 0 टू ए रीजन में जो पार्टिकल है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो हम डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास जो nth स्टेट के लिए जो वेव फंक्शन है वो है रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए। ये हमारे पास वेव फंक्शन है, ठीक है। पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा, जो पार्टिकल की स्टेट होगी, आइगन स्टेट होगी nth एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग एन स्क्वायर पाई स्क्वायर स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर टू एम ए स्क्वायर। इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी आइगन स्टेट होगी वो ये होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी इन जीरो टू एक्स की जो लिमिट है जीरो से ए के बीच में, तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो इन जनरल ये है हमारे पास साई स्टार साई जीरो टू ए बाय टू डी एक्स होगा साई स्टार साई जीरो टू ए, ठीक है। और ये हमें पता है ये जो नीचे वाली टर्म है क्योंकि जो साई है नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड है इसका मतलब साई स्टार साई डी एक्स जीरो टू ए ये तो वन है हमारे पास, ये तो हमने कैलकुलेट भी किया था क्योंकि जो साई है वो नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। जो साई एन है ये नॉर्मलाइज्ड है, तो हमें ऊपर वाली क्वांटिटी सिर्फ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास जीरो टू ए बाय टू, ऊपर वाले टर्म क्या आएगी हमारे पास रूट टू बाय ए साइन एन पाई एक्स बाय ए इंटू रूट टू बाय ए साइन एन पाई एक्स बाय ए, ये होगा हमारे पास, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है तो ये आएगा टू बाय ए बाहर आ जाएगा जीरो टू ए बाय टू साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय ए डी एक्स। इसको हम क्या लिख देंगे टू बाय ए जीरो टू ए बाय टू वन माइनस कोस टू एन पाई एक्स बाय ए, ठीक है। एक वन बाय टू बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में टू होगा डी एक्स। तो ये आएगा हमारे पास वन बाय ए जीरो से ए बाय टू डी एक्स माइनस कोस का कोस को एक बार लिख देते हैं कोस टू एन पाई एक्स बाय ए डी एक्स, ठीक है, जीरो से ए बाय टू। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, देखो आएगा वन बाय ए ए बाय टू माइनस इसका आ जाएगा साइन एन पाई टू एन पाई एक्स बाय ए इंटू ए बाय टू एन पाई, और जब लिमिट लगाएंगे साइन की हम साइन की लिमिट लगाएंगे जीरो से ए बाय टू, जब ए बाय टू रखेंगे तो ये आएगा साइन एन पाई, ठीक है। जब ए बाय टू पुट करेंगे तो ये आएगा साइन एन पाई, और जो साइन एन पाई होगा हमारे पास एन की वैल्यू वन रख लो टू रख लो थ्री रख लो फोर रख लो, साइन एन पाई की वैल्यू हमारी जीरो होगी, ठीक है। एन की वैल्यू वन टू थ्री कुछ भी रख लो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई साइन की वैल्यू जीरो होगी, और जब जीरो रखेंगे जीरो पे भी साइन की वैल्यू जीरो होगी तो ये टर्म तो जीरो ही हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा वन बाय ए इंटू ए बाय टू, तो प्रोबेबिलिटी आएगी हाफ हमारी। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी जीरो से एक्स इक्वल टू जीरो से ए बाय टू रीजन में जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी हाफ, हाफ प्रोबेबिलिटी होगी हमारी जीरो से ए बाय टू रीजन में, ठीक है। तो ये सभी स्टेट के लिए होगी, देखो साई वन के लिए भी होगी ये, साई टू के लिए भी होगी ये, साई एन सभी के लिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी फॉर ऑल स्टेट जो प्रोबेबिलिटी होगी जीरो से ए बाय टू रीजन में वो कितनी होगी हमारे पास हाफ होगी। साई वन ले लो चाहे साई टू ले लो चाहे साई थ्री ले लो चाहे, हमने इन जनरल साई एन के लिए कैलकुलेट कर लिया, तो प्रोबेबिलिटी हमारी हाफ होगी जीरो से। ऐसे ही तुम किसी और रीजन के लिए भी निकाल सकते हो, जीरो से ए बाय फोर के लिए निकाल सकते हो, जीरो से थ्री ए बाय फोर के लिए तुम कैलकुलेट कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें लिमिट की रखनी होगी वैल्यू रखनी होगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पी के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं,
पी स्क्वायर के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस पोटेंशियल के लिए, जो वेव फंक्शन हमारे पास साई एन है, रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए, इसके लिए हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पहले एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट जीरो से ए आएगी, क्योंकि हमारे जो वेव फंक्शन है वो जीरो से ए के बीच में कन्फाइंड है, साई स्टार एक्स साई और जीरो से ए साई स्टार साई। ये नीचे वाले टर्म तो हमें पता है वन होगी क्योंकि नॉर्मलाइज्ड है, यदि कोई नॉर्मलाइज नहीं होता वेव फंक्शन तब ये हम कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज ये क्वांटिटी हमारे पास वन होगी। तो ये क्या आएगा हमारे पास, जीरो टू ए साई स्टार साई एक्स बीच में आएगा डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे जीरो से ए रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए, रियल वेव फंक्शन है, इंटू एक्स इंटू रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स ओवर, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, टू ओवर ए बाहर आ जाएगा, जीरो से ए एक्स इंटू साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ओवर ए डी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे, ठीक है, या इसको ऐसे कर लो, पहले इसको ओपन कर लो, टू बाई ए जीरो टू ए एक्स वन माइनस कोस टू एन पाई एक्स बाई ए, बाहर टू आ जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो वन बाई ए जीरो से ए एक्स माइनस एक्स कोस टू एन पाई एक्स बाई ए, ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को, ये आएगा हमारे पास, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, वन बाई ए जीरो टू ए एक्स का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, इसका तो आ गया, और ये आ जाएगा हमारे पास जीरो टू ए एक्स कोस टू एन पाई एक्स बाय ए डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन तो आ जाएगा हमारे पास वन बाय ए, ये तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाय टू, सिंपल, माइनस ये होगा फर्स्ट सेकंड से, ये इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन टू एन पाई एक्स बाय ए इंटू ए अपॉन टू एन पाई, ठीक है, लिमिट लगा देंगे जीरो से ए बाय टू, ये कंप्लीट ब्रैकेट में माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, इनटू इसका इंटीग्रेशन साइन टू एन पाई एक्स बाय ए, कोस का हो जाएगा साइन, ठीक है, कोस का साइन ही होगा ना, हाँ साइन टू एन पाई एक्स बाय ए जीरो टू ए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाई हमने, लिमिट आएगी जीरो से ए आएगी यार, ये लिमिट जीरो से ए होगी, ठीक है, जीरो से ए डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा a बाय टू एन पाई, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये आएगा वन बाय ए ए स्क्वायर बाय टू माइनस, यहाँ पे जब लिमिट a लगाएंगे हम तो ये आएगा टू एन पाई, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये कंप्लीट इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि जब a रखेंगे यहाँ पे, जब a रखेंगे साइन टू एन पाई बचेगा, और साइन टू एन पाई की जो वैल्यू होती है n की हर एक वैल्यू के लिए वो जीरो होगी, ठीक है, साइन पाई साइन टू पाई साइन टू पाई साइन फोर पाई साइन सिक्स पाई, ये सब जीरो होगा, तो ये टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी, डायरेक्ट इसको हम जीरो लिख देंगे, माइनस माइनस साइन एक बाहर है, माइनस जीरो टू ए ए बाय टू एन पाई, ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक सेकेंड इसको रब कर देता हूँ मैं, हाँ इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे कंप्लीट, ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वन सेकेंड, हाँ देखो इसका इंटीग्रेशन आएगा क्या हमारे पास, a बाई टू एन पाई बाहर आ गया, साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कोस कोस टू एन पाई एक्स बाई ए, साइन का होता है माइनस कोस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a बाय टू एन पाई साथ में और आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और लिमिट होगी इसकी जीरो टू ए, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, वन बाय ए ए स्क्वायर बाय टू माइनस ए बाय टू एन पाई होल स्क्वायर, और ये आएगा हमारे पास कोस का होगा हमारे पास
कोस टू एन पाई, कोस टू एन पाई, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास कोस टू एन पाई माइनस कोस जीरो। कोस टू एन पाई क्या होगा, कोस टू पाई, कोस फोर पाई, ये वन होगा और ये भी हमारा वन होगा, तो ये टर्म भी हमारी कैंसिल होके जीरो बन जाएगी। तो ये आएगा वन बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाय टू, तो विल कम आउट टू बी ए बाय टू। तो एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी हमारे पास ए बाय टू, जो एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो होगी ए बाय टू, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे साई स्टार एक्स स्क्वायर साई, ठीक है, जीरो टू ए। तो ये होगा हमारे पास डी एक्स आएगा साथ में वन डायमेंशन, रूट टू बाय ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए, एक्स स्क्वायर रूट टू बाय ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, टू बाय ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू ए एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स ओवर ए डी एक्स, ये होगा हमारे पास। अब ये फर्स्ट है हमारे पास, ये सेकेंड, ठीक है। इसका देखो एक जनरल फॉर्मूला भी है, एक जनरल फॉर्मूला भी है। फर्स्ट सेकंड हमारे पास, फर्स्ट को यू मान लो, सेकंड को वी मान लो, इनका जो इंटीग्रेशन का एक जनरल फॉर्मूला है, पहले आएगा यू वी वन, पहले आएगा यू वी वन, इसमें सेकंड टर्म आएगी यू प्राइम वी टू, फिर थर्ड टर्म आएगी प्लस यू डबल प्राइम वी थ्री, फिर हमारे पास आएगा माइनस यू ट्रिपल प्राइम वी फोर। यहाँ पर जो वी वन होगा वो होगा हमारे पास वी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और यहाँ पर जो वी टू होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, यहाँ पे जो वी थ्री होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ वी टू डी एक्स, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला तुम याद रखना, यू वी वन माइनस यू प्राइम वी टू प्लस यू डबल प्राइम वी थ्री, और यू प्राइम होगा यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स, और यू डबल प्राइम होगा डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये अलग अलग यहाँ पे टर्म हो गए हमारे पास, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हमारे पास जो u है यहाँ पे वो है x, और v है हमारे पास u है एक्स स्क्वायर, वी है हमारे पास साइन एन पाई एक्स ओवर एन पाई एक्स ओवर a, ये हमारे पास v होगा, ठीक है, सॉरी साइन स्क्वायर है हमारे पास। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास टू बाय ए एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ओवर ए डी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे टू बाय ए एक्स स्क्वायर वन माइनस कोस टू एन पाई एक्स ओवर ए, ओवर टू भी आएगा वन बाय टू, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम इसको। इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास वन बाय ए जीरो टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कोस टू एन पाई एक्स ओवर ए, ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स, ठीक है, इस कंप्लीट के बाहर डी एक्स है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो सॉल्व करना बहुत ईजी है, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर कोस टू एन पाई एक्स ओवर ए, ये हमने इसको अलग से लिख लिया, ठीक है, जीरो टू ए। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड से को सॉल्व करेंगे। इसका एक जनरल फॉर्मूला याद रखना, यू वी का फर्स्ट है यू यू और वी, ठीक है, जनरल फॉर्मूला इनका, पहले आएगा यू वी वन माइनस यू प्राइम वी टू प्लस यू डबल प्राइम वी थ्री माइनस यू ट्रिपल प्राइम वी फोर। यहाँ पे जो वी वन होगा वो होगा वी डी एक्स, और वी टू होगा यहाँ पे वी वन डी एक्स, और वी थ्री यहाँ पे होगा वी टू डी एक्स का इंटीग्रेशन, और यू प्राइम होगा डी यू बाई डी एक्स, u डबल प्राइम होगा डी यू प्राइम बाय डी एक्स, ठीक है, ये होगा हमारे पास। तो यहाँ पे जो u होगा वो होगा एक्स स्क्वायर हमारे पास, u होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और वी वन होगा v होगा हमारे पास कोस टू एन पाई एक्स बाय ए। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी u इंटू वी वन,
यू इंटू वी वन है हमारे पास, वी वन होगा वी डी एक्स, ये आ जाएगा कोस का साइन एन टू एन पाई एक्स बाई ए अपॉन टू एन पाई, टू एन पाई बाई ए, ठीक है। मतलब जो ये टर्म होगी हमारी वी वन, वी वन होगा वी डी एक्स, मतलब जो हमारा वी है कोस टू एन पाई एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, कोस का साइन होगा, प्लस का साइन होता है, और ये टर्म नीचे आ जाएगी हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी, माइनस सेकेंड टर्म यू प्राइम, यू प्राइम मतलब एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। अब जो अब हमारा जो ये वी वन है इसका इंटीग्रेशन होगा दोबारा, तो साइन का होगा हमारे पास माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस 2n π बाई ए, और नीचे आ जाएगा 2n π बाई ए होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक पहले से था 2n π बाई ए, एक और आ जाएगा, फिर आएगा प्लस यू डबल प्राइम, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, यू डबल प्राइम आ जाएगा 2, फिर इसका दोबारा इंटीग्रेशन होगा हमारे पास, ये आ जाएगा साइन 2n π बाई ए इंटू 2n π बाई ए क्यूब बन जाएगा। ये नेक्स्ट टर्म आएगी नहीं, क्योंकि यू डब्ल्यू जो ट्रिपल प्राइम होगा वो 0 हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म आएगी नहीं हमारे पास, ये याद रखना फॉर्मूला, ठीक है, इन जनरल फॉर्मूला है। यहाँ लिमिट लगा देंगे हम 0 से a, u की जगह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर आएगा 0 to a, तो ये क्या आएगा हमारे पास, जब ये लिमिट लगाएंगे पहले a लगाएंगे, ए स्क्वायर साइन 2n π अपॉन 2n π बाई ए माइनस, सॉरी लिख लेते हैं 2a, पहले a लिख देते, पहले सभी में a पुट कर देते हैं, कोस 2n π अपॉन 2n π बाई ए होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन 2n π, 2n π बाई ए, ठीक है, ए पुट कर दिया हमने सभी जगह, फिर यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 0, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, सेकंड टर्म 0 हो जाएगी, थर्ड टर्म 2 इंटू साइन 0 0, 0 हो जाएगी सभी टर्म, तो ये आ जाएगा साइन 2n π 0 होगा, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू चाहिए 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ये 0 आएगा। कोस 2n π क्या होता है हमारे पास, कोस 2n π होता है हमारे पास, n की वैल्यू 0 1 2 3 रखेंगे तो कॉस की वैल्यू ये 1 ही आएगी हमारे पास, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 2a अपॉन 2n π बाई ए होल स्क्वायर, ये हमारे पास सेकेंड टर्म होगी, और यहाँ पे ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, तो ये टर्म सर्वाइव करेगी, सिर्फ ये टर्म सर्वाइव करेगी, ठीक है, और इसमें भी ये सर्वाइव करेगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a अपॉन 2n π बाई ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, तो इसको ऊपर पुट कर देंगे हम, ऊपर पुट कर देंगे, जो हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर का, जो डी 0 to a एक्स स्क्वायर डी एक्स तो था ही, माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 2a³ अपॉन 2n π होल स्क्वायर, यही था ना, देखो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे इसकी जगह, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1³/3, 1 by a बाहर था कंप्लीट के, ठीक है, 1³/3 माइनस 2a³/4n²π², तो एक ए स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा माइनस 2a² अपॉन 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2n²π², तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ए स्क्वायर बाय 3 माइनस ए स्क्वायर बाय 2n²π², ये आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट होगा हमारा, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट क्या होगा, देखो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट हमारे पास डेल्टा एक्स था, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू पुट कर दो, जो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई है और हमारी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई है, इनको पुट कर दो, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई है हमारे पास ए स्क्वायर बाय 3 माइनस ए स्क्वायर बाय 2n²π²
माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई है हमारे पास ए बाई टू, ए बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई फोर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, ए बाहर आ जाएगा 1/12 माइनस 1/2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये वैल्यू होगी हमारे पास डेल्टा एक्स। ठीक, अनसर्टेनिटी जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी वही होगी। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। देखो मोमेंटम क्या होगा, पी, मोमेंटम पी ये होगा साई स्टार पी कैप साई 0 to a, ये आ जाएगा हमारे पास √2 / a साइन एन पाई एक्स ओवर ए 0 to a इंटू माइनस आयोटा एच कट डी ओवर डी एक्स, ये मोमेंटम ऑपरेटर है हमारा, √2 / a साइन एन पाई एक्स ओवर ए डी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास 2/a बाहर आ जाएगा 0 to a साइन एन पाई एक्स ओवर ए माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स करेंगे इसका, तो साइन का हो जाएगा कोस एन पाई एक्स ओवर ए और मल्टीप्लाई में हो जाएगा एन पाई बाई ए, मल्टीप्लाई में हो जाएगा एन पाई बाई ए, वो बाहर ले लिया हमने, मल्टीप्लाई में एन पाई बाई ए आएगा इसके, क्योंकि साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस किया तो मल्टीप्लाई में एन पाई बाई ए और माइनस आई अटैच करो, तो ये आ जाएगा 2 n π/a² 0 to a माइनस आयोटा एच कट साइन एन पाई एक्स बाई ए इंटू कोस एन पाई एक्स ओवर ए डी एक्स। ठीक है, तो ये आएगा माइनस आयोटा एच कट 2 n π/a² इसको लिख सकते हैं हम साइन ए कोस बी, इसको लिख सकते हैं साइन, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन एन पाई एक्स ओवर ए कोस एन पाई एक्स ओवर ए डी एक्स। तो ये देखो क्या आएगा हमारे पास, एक 2 बाहर चला जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा एच कट एन पाई ओवर ए स्क्वायर, ये आ जाएगा, इसको लिख देंगे साइन 2 एन पाई एक्स ओवर ए, इसको लिख देंगे 0 to a डी एक्स। ठीक है, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे यूज़ किया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 to a, इसको लिख देंगे कॉस 2 n π/x/a माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा साइन का हमने कर दिया कॉस 0 to a और नीचे एक टर्म आएगी ऑब्वियसली a अपॉन सॉरी 2 n π/a, ये एक नीचे टर्म आएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे कोस 2 n π - cos 0, तो ये दोनों टर्म 1 1 होगी, 1 - 1, तो ये 0 आ जाएगा। तो जो मोमेंटम का हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी 0 होगी, और ये 0 होती भी है फॉर रियल वेव फंक्शन, फॉर रियल वेव फंक्शन मोमेंटम की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, वो हमेशा 0 होती है, क्योंकि ये मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यदि जो वेव फंक्शन रियल है हमारे पास वो किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, जो रियल वेव फंक्शन है, जो इमेजिनरी वेव फंक्शन होगा वही हमेशा मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो रियल वेव फंक्शन कभी भी मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता वो। ठीक है, जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको रिप्रेजेंट नहीं करता एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, और ये हमेशा 0 होगा रियल वेव फंक्शन के लिए, फॉर रियल वेव फंक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं पी स्क्वायर की, अब हम बात करते हैं पी स्क्वायर की। ठीक है, जो पी स्क्वायर ऑपरेटर होगा वो होगा हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास पी स्क्वायर होगा माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी साई स्टार माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर साई डी एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 / a साइन एन पाई एक्स ओवर ए माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर √2 / a
साइन एन पाई एक्स ओवर ए डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो टू बाई ए बाहर आ जाएगा, जीरो से ए माइनस एच कट स्क्वायर साइन एन पाई एक्स ओवर ए, और जब इसको लिख देंगे हम साइन का होगा डिफरेंशिएशन, हमारे पास साइन का डिफरेंशिएशन होगा कोस, एक बार होगा साइन का डिफरेंशिएशन कोस। ठीक है, कोस का जब दोबारा करेंगे डी बाई डी एक्स, साइन का होगा कोस एन पाई एक्स ओवर ए, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा एन पाई बाई ए। एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, अब दोबारा करेंगे इसका तो ये आ जाएगा टू बाई ए जीरो टू ए माइनस एच कट स्क्वायर साइन एच कट स्क्वायर साइन एन पाई एक्स ओवर ए इंटू, एक बार और करेंगे फिर एन पाई बाई आ जाएगा साथ में, और ये होगा दोबारा माइनस साइन एन पाई एक्स ओवर ए डी एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू बाई ए एच कट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ओवर ए डी एक्स जीरो टू ए। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारे पास एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ए क्यूब, ये आ जाएगा वन माइनस कोस टू एन पाई एक्स ओवर ए वन बाय टू, टू बाहर आ जाएगा जीरो टू ए, ये टर्म जीरो हो जाएगी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो काफ़ी बार किया है हमने, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर ए क्यूब, और इसको करेंगे तो ये आएगा इसका इंटीग्रेशन डी एक्स जीरो से ए, तो ये ओनली ए आएगा, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर ए क्यूब इंटू ए, तो ये आएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी पी स्क्वायर की। इसको यहाँ से भी निकल सकते हो तुम, एनर्जी का स्क्वायर था जो, उसको लिख सकते हैं पी एन स्क्वायर बाय टू एम, और एनर्जी थी हमारे पास एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर टू एम ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हो तुम, टू एम कंपेयर कर लोगे तो पी एन आएगा हमारे पास एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर टू, जो मोमेंटम की जो हमारा पी एन स्क्वायर है, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी मोमेंटम का स्क्वायर है, या काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हो तुम, इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी ये काइनेटिक एनर्जी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी होगी मोमेंटम में वो होगी हमारे पास पी स्क्वायर माइनस पी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एन पाई एच कट ओवर ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा एन पाई एच कट ओवर ए, तो हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी होगा, ए बाहर था वन बाई ट्वेल्व माइनस वन बाई टू पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये था हमारे पास पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एन पाई एच कट ओवर ए, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी होगी। ऐसे ये कैंसिल कर दो, वन बाय बारह माइनस वन बाय टू पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एन पाई एच कट, ये हमारी अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन और मोमेंटम में फॉर वन डायमेंशन इन्फिनिटिव पोटेंशियल के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एसिमेट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उसका वेव फंक्शन निकाला था, एनर्जी कैलकुलेट की थी, कुछ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी, और हमने कुछ अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट किए थे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक पोटेंशियल। सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए जो पार्टिकल है, देखो पोटेंशियल ये इन्फानाइट ही है अभी भी, ठीक है, ये जो पोटेंशियल है इन्फानाइट पोटेंशियल वैल्यू ही है। ठीक है, इन्फानाइट पोटेंशियल वैल्यू लेकिन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब ओरिजिन के दोनों तरफ है। ठीक है, माइनस ए टू ए, ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे डायग्राम, इस टाइप का पोटेंशियल हमारे पास, ये सेंटर में ओरिजिन है हमारा जीरो, माइनस ए बाय टू या ए लिख लो माइनस ए टू या ए बाय टू लिख लो,
ए बाय टू माइनस ए बाय टू टू प्लस ए बाय टू, ठीक है। ये हमारे पास सिमेट्रिक पोटेंशियल, माइनस ए से ए भी हो सकता है, माइनस ए बाय टू से ए बाय टू भी हो सकता है, माइनस टू ए से माइनस टू ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ये इन्फेनाइट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पार्टिकल है इस पोटेंशियल के अंदर, ये इन्फेनाइट पोटेंशियल है, यहाँ पार्टिकल है, ठीक है, एम मास का, जिसकी एनर्जी ई है, ये इसकी एनर्जी है, और पार्टिकल की जो एनर्जी है वो लेस देन, पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल है वी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अंदर पोटेंशियल जीरो है, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे इमेजिनरी होंगे, सेम ही सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो सेम ही होगा, ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, लेकिन बाउंड्री कंडीशन अलग होगी, लेकिन सॉल्यूशन है जो इमेजिनरी होगा, ऑसिलेटरी होगा, ठीक है, सॉल्यूशन सेम होगा। तो यहाँ पे देखो इसकी बाउंड्री कंडीशन, अब जब अप्लाई करेंगे हम, बाउंड्री कंडीशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाय टू पे जो साई है वो जीरो होगा, और एक्स इज इक्वल टू ए बाय टू के ऊपर भी जो साई है वो जीरो होगा। दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, ये मेरे पास बाउंड्री कंडीशन है, ये बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। देखो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, पहले हम अप्लाई करेंगे माइनस ए बाय टू, या सॉरी प्लस ए बाय टू अप्लाई कर दो, साइन के ए बाय टू प्लस बी कोस के ए बाय टू इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की। अब सेकंड अप्लाई कर दो माइनस ए साइन के ए बाय टू, माइनस ए बाय टू पुट करेंगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस बी कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही रहेगा, के ए बाय टू इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये जो के ए बाय टू, ये जो वैल्यूज़ होगी ये क्या होगी, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो टू बी कोस के ए बाय टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी जीरो नहीं होगा, हम कह सकते हैं कोस के ए बाय टू इज इक्वल टू जीरो, तो के ए बाय टू क्या आएगा हमारे पास, कोस जीरो कब होगा, के ए बाय टू जब होता है एन पाए बाय, और वेयर एन इज, एन की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 1357, इन वैल्यू पे जो कोस है वो जीरो होता है। देखो कोस पाई बाय टू, कोस थ्री पाई बाय टू, कोस फाइव पाई बाय टू, कोस सेवन पाई बाय टू, इन वैल्यू पे जो कोस की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, तो के आ जाएगा हमारे पास एन पाए बाय, के बाय टू आ जाएगा एन पाए बाय टू, ठीक है। सिमिलरली जो हमारी इक्वेशन है साइन के लिए, यदि वन में से हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से हम सेकंड माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा टू ए साइन के ए बाय टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, साइन के ए बाय टू इज इक्वल टू जीरो, और साइन के ए बाय टू इज इक्वल टू जीरो कब होता है, जब के ए बाय टू हो हमारा, इसको कोई और नंबर ले लेंगे एम पाई, और एम की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास जीरो वन टू थ्री फोर, इन सभी पे साइन जीरो होता है। एम की वैल्यू जीरो रख लो, वन रख लो, टू रख लो, लेकिन जीरो पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे वेव फंक्शन ही जीरो हो जाएगा, फिर जीरो रखेंगे तो, ठीक है। लेकिन जो स्टार्ट होगी ये स्टार्ट होगी टू से, वन से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि जीरो पे वो वेव फंक्शन ही जीरो हो जाएगा, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो। जो लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, एसिमेट्रिक पोटेंशियल केस में ही बताया था भाई, वन क्यों नहीं हो सकता, जीरो क्यों नहीं हो सकता वो, ठीक है। के बाय टू आ जाएगा हमारे पास एम पाई, ठीक है, एम पाई लिख दिया इसको हमने। तो देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, के बाय टू, देखो इसको के बाय टू हमने एम पाई लिखा था, इसको हम ये लिख सकते हैं, के क्या आ जाएगा यहाँ से, के आ जाएगा हमारे पास टू एम पाई बाय ए, सॉरी ए नहीं आएगा, ओनली टू एम पाई, ठीक है, के आ जाएगा हमारे पास एम पाई, तो के आ जाएगा हमारे पास टू एम पाई बाय ए, और m है यहाँ पे वन टू थ्री ये, और ऊपर वाली जो ये क्वांटिटी है देखो, इसमें हम k को लिख सकते हैं n पाई, और k आ जाएगा n पाई बाय a, और लेकिन यहाँ पे जो n है वो है 1357, ठीक है। यदि हम इसको n लिखें 2m को, 2m को हम n लिखें, तो n क्या आएगा हमारे पास 2, 4, 6, ठीक है, 8, ये हमारे पास n की वैल्यूज होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा k n पाई बाय a, तो k को इन जनरल हम n पाई बाय a लिख सकते हैं, लेकिन
जब के हमारे पास, जब एन की वैल्यू हमारे पास 1357 होगी, तब ये हमारा कोस वाला होगा वेव फंक्शन, ठीक है। और जब हमारी वैल्यू एन की 1357 होगी, जब हमारा वेव फंक्शन है, कोस वाला सर्वाइव करेगा क्योंकि बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बी नॉट इक्वल टू जीरो। यदि एन की वैल्यू 1357 है तो कोस वाला जीरो होगा, कोस वाला जीरो होगा, इसका मतलब बी नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब बी कोस वाला जो वेव फंक्शन है ये बी सर्वाइव करेगा, मतलब कोस वाला वेव फंक्शन सर्वाइव करेगा। जब एन की वैल्यू हमारे पास 2468 होगी तो साइन जीरो होगा, साइन जीरो मतलब ए नॉन जीरो होगा, ए नॉन जीरो, ए नॉन जीरो का मतलब है यहाँ पे, ए नॉन जीरो का मतलब है जो ए पार्ट, जो साइन वेव फंक्शन है, जो साइन वाला फंक्शन है वो सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पे मैं टोटल कंडीशन लिख देता हूँ, टोटल वेव फंक्शन, और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन सेम आएगी इसकी, ठीक है, जो पहले हमने नॉर्मलाइजेशन निकाली थी वही आएगी सेम, √2 / a cos एन पाई एक्स ओवर ए, ये होगा हमारे पास एन इज इक्वल टू 1357 के लिए, और √2 / a साइन एन पाई एक्स ओवर ए, और ये होगा हमारे पास एन इज इक्वल टू 2, 4, 6 इन सभी के लिए, ठीक है। ये बस कंबाइंड वेव फंक्शन होगा सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए, और ए यहाँ पे विड्थ को रिप्रेजेंट करता है, यदि विड्थ माइनस ए से ए दी हो तो ए की जगह 2 ही आ जाएगा, ठीक है। यदि जो विड्थ है हमें वो जो पोटेंशियल वो इस टाइप का दिया हो, ये माइनस ए हो ये ए हो, तो हमारा जो वेव फंक्शन होगा वो ये होगा √2/2a साइन एन पाई एक्स बाय 2a, ये होगा एन इज इक्वल टू 2, 4, 6 के लिए, और साई एक्स इज इक्वल टू √2/2a कोस एन पाई एक्स ओवर 2a, ये होगा हमारे पास एन इज इक्वल टू 1357 के लिए, ये याद रखना। अब एनर्जीज आइगन वैल्यू सेम ही रहेगी, एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी, देखो के इज इक्वल टू हमारे पास है एन पाई बाय ए, तो के हमें पता है यहाँ पे 2mE/h² ये हमारे पास के है, ठीक है, के स्क्वायर है, ये के स्क्वायर है हमारे पास, ये के स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा n² π² / a², ठीक है। तो ई आ जाएगा हमारे पास n² π² h² ए स्क्वायर 2ma², ये हमारे पास एनर्जी होगी, लेकिन स्टेट अलग अलग होगी, कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट एन इज इक्वल टू 1 के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट होगी वो कोस में होगी, और एन इज इक्वल टू 2 के लिए जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी वो साइन में होगी हमारे पास, ठीक है। एन इज इक्वल टू 3 के लिए जो हमारी स्टेट होगी वो कोस में होगी, एन इज इक्वल टू 4 के लिए, लेकिन एनर्जी वही रहेगी हमारे पास जो ई वन, एन की वैल्यू 1e1 आ जाएगी एनर्जी, एन की वैल्यू 2 4e1 आ जाएगी, 9e1 आ जाएगी, एनर्जी वही रहेगी एनर्जी की रेंज, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है हमारे वो अलग अलग हो जाएंगे, और इनको तुम ड्रॉ भी कर सकते हो आराम से, ठीक है, इनको ड्रॉ कर लेना। अब इस वेव फंक्शन को इन जनरल हम एक ही फॉर्म में भी लिख सकते हैं कंप्लीट, देखो ये जो वेव फंक्शन होगा हमारे पास, इन दोनों को यदि हम कंबाइंड लिखें, इन दोनों वेव फंक्शन को यदि हम कंबाइन करके लिखें तो इस टाइप से लिख सकते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों लिखा है, √2/a सॉरी ये वाला लिख रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि विड्थ हमने -a/2 से a/2 ही लेके चल रहे हैं अभी हम, तो ये आएगा साइन n π / a x + a/2, ये वेव फंक्शन होगा, और n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होगी, ठीक है। n की यहाँ पे 1 रखो, देखो क्या आएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये n है यहाँ पे, ठीक है, ये n है हमारे पास, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई एक्स बाई ए प्लस पाई बाय ए इंटू ए बाय 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन पाई एक्स बाय ए प्लस पाई बाय 2 साइन 90 + θ, साइन 90 + θ क्या होगा, cos θ, cos π x / a, देखो वही आ गया एन इक्वल टू 1 पे, ठीक है, कोस वाला, एन इक्वल टू 2 पे साइन ही आएगा, एन इक्वल टू 3 पे फिर कोस बन जाएगा। तो इन जनरल जो वेव फंक्शन है वो हमारा ये है, इसको नोट कर लेना, ये इन जनरल वेव फंक्शन हमारा, ठीक है। यहाँ पे अभी तो ए है, जब हम विड्थ माइनस ए से प्लस ए लेंगे तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जो हम विड्थ ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो
चेंज हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ की बात करें, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ क्या आएगी, देखो पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ क्या आएगी हमारे पास, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होगी। देखो पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी माइनस ए बाय टू से ए बाय टू, क्योंकि नॉर्मलाइज है तो नीचे वाली क्वांटिटी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ में होती है साई साई, ये तो वन ही हो जाएगी क्योंकि नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, ठीक है। तो माइनस ए बाय टू से ए बाय टू आएगा, ये रूट टू बाय ए होल स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई साइन स्क्वायर एन पाई, हम कंबाइंड वेव फंक्शन ले लेते हैं एन पाई बाय टू एक्स प्लस, जो हमारा कंबाइंड वेव फंक्शन था एक्स प्लस ए बाय टू, इसको ही हम लेके चल रहे हैं कंबाइंड वेव फंक्शन को डी एक्स, ठीक है। ये जो कंबाइंड वेव फंक्शन था इसको हमने कंसिडर किया है यहाँ पे, तो वो सभी का दे देगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू, सभी वेव फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू दे देगा इनकी फॉर्म में। ये आ जाएगा टू बाई ए माइनस ए बाय टू से ए बाय टू साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय टू, देखो इसको अंदर लिख देते हैं एन पाई एक्स बाय टू प्लस एन पाई बाय टू इंटू ए बाय टू, ठीक है। यहाँ पे एन पाई बाय ए, सॉरी ये एन पाई बाय ए है यहाँ पे एन पाई बाय ए, ठीक है। तो ये हमारे पास कंबाइंड वेव फंक्शन है और यहाँ पे साथ में एक्स भी आएगा, ठीक है। अगर एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं तो साथ में एक्स भी आएगा हमारे पास। अब ये देखो ये जो इंटीग्रेशन है वो सिमेट्रिक है माइनस ए बाय टू से ए बाय टू, और ये जो फंक्शन है हमारे पास ये ऑड फंक्शन है, ये तो साइन स्क्वायर है ये तो इवन है, ये एक्स मल्टीप्लिकेशन में ये ऑड फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, तो इवन इंटू ऑड ऑड होगा हमारे पास, तो ऑड वेव जो ऑड फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर वो सिमेट्रिक सिमेट्रिक लिमिट के लिए जीरो होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट जीरो आ जाएगा क्योंकि यदि ऑड वेव फंक्शन तुम्हें दिया हो, ऑड फंक्शन दिया हो, तो उसका यदि इंटीग्रेशन माइनस ए बाय टू से ए बाय टू कर रहे हो तुम, तो डायरेक्ट जीरो आ जाएगा। इसे सॉल्व भी कर सकते हो और वैसे भी डायरेक्ट जीरो आएगा। सिमिलरली मोमेंटम के लिए करें, यदि माइनस ए बाय टू से ए बाय टू रूट बाय साइन एन पाई एक्स बाय ए होगा, ठीक है, प्लस एन पाई बाय ए इंटू ए बाय टू, ठीक है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाय डी एक्स साइन, ये होल स्क्वायर कर दो यहाँ पे, साइन एन पाई एक्स ओवर ए प्लस एन पाई ए बाय टू ए, ठीक है, डी एक्स, ये हमारा मोमेंटम का होगा। मोमेंटम का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसका जो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आएगा टू बाय ए ए बाय टू से ए बाय टू साइन दिस टर्म माइनस आयोटा एच क्रॉस, ये आ जाएगा कोस एन पाई एक्स बाय एन पाई बाय टू लिख देते हैं डायरेक्ट डी एक्स, ठीक है। तो साइन इंटू कोस, इसको साइन टू थीटा लिख सकते हैं, साइन टू एन पाई एक्स ओवर ए प्लस एन पाई बाय टू, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, और माइनस आयोटा एच क्रॉस माइनस ए बाय टू से ए बाय टू साइन थीटा कोस थीटा, तो एक टू ऊपर आएगा एक टू नीचे आएगा, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टू अंदर जाके हुआ था, ठीक है, क्योंकि टू अंदर ले गए थे, टू साइन थीटा कोस थीटा को लिख दिया हमने साइन टू थीटा, साइन टू थीटा है। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा सिमेट्रिक लिमिट के लिए, इसका जो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास, मोमेंटम का इंटीग्रेशन वैसे ही जीरो होता है रियल वेव फंक्शन के लिए, ठीक है, रियल वेव फंक्शन के लिए जो मोमेंटम का इंटीग्रेशन होता है वो वैसे ही जीरो होता है, और तुम सॉल्व भी कर सकते हो इसको डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन निकालोगे तुम, वो जीरो नहीं होगा, वो तुम कैलकुलेट करोगे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और पी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है, जैसे हमने एसिमेट्रिक पोटेंशियल केस में किया था वैसे ही तुम्हें सेम यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके काफ़ी क्वेश्चंस, सिमेट्रिक पोटेंशियल एसिमेट्रिक पोटेंशियल, इनके जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कहीं भी पूछे गए हैं, गेट में, नेट में, जेआरएफ में, मतलब जो जेस्ट का एग्ज़ाम है तुम्हारा, कहीं भी पूछा गया, कुछ भी पूछा गया इससे रिलेटेड,
सब कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा भी काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम करेंगे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी कहीं भी पूछा गया अभी तक, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे।